लुधियाना के निजी होटल में एसपीएस अस्पताल की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए अस्पताल के गैस्ट्रो एंडोलॉजिस्ट डॉक्टर निर्मलजीत सिंह मल्ली ने बताया कि एक्लीजिया कार्डिया में फूड पाइप व पेट में जाने वाली नाली की मांसपेशियां तंग हो जाती है। मरीज कुछ भी खाता है तो वह निगल नहीं पाता। कई मरीजों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वे खाने को न तो निगल पाते हैं और न ही उल्टी करके बाहर निकाल पाते हैं। इसमें से भोजन के कुछ कण मरीजों के सांस की नाली में भी चले जाते हैं, जिससे रात के वक्त उन्हें घुटन महसूस होती है। इस बीमारी से ग्रस्त दो मरीजों को एसपीएस अस्पताल में पोइम पर ओरल एंडोस्कोपिक माउथमी तकनीक से हुई सर्जरी में इस मुसीबत से छुटकारा मिला है। डॉक्टर निर्मलजीत सिंह मली ने बताया कि तकनीक की खासियत यह है कि मरीज के शरीर पर एक भी चीरा या टांका नहीं लगा, बल्कि सारा प्रोसीजर एंडोस्कोपी के जरिए हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर अमित सोनी व एनएस थीसिस्ट डॉक्टर नरेश आनंद भी मौजूद रहे। हाजरा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेसिकली टेक्निक है, इधर नाम हैगा पोएम पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। पर ओरल का मतलब मुंह रस्ते, एंडोस्कोपिक मतलब दूरबीन दे राही, मायोटमी मीन्स मांसपेशियां नूं कटना। सो मूँह के रस्ते दूरबीन के नाल मांसपेशियों को कट्टन असी पोएम कहते हैं। और उन्होंने मरीजों लिए टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिन्हें लोगों को खाण पीन दिक्कत हो, खास करके एक बीमारी जिन्होंने असी एक्लेजिया कार्डिया बोलते हैं। कुछ होर बीमारियां भी होंदिया जिस कि मांसपेशियां खाने की नाड़ी दियाँ या खाने की नाड़ी के मेदे नाल जिहड़ा जोड़ हुंदा हैगा वह हिस्सा बहुत टाइट हो जाता मांसपेशियां के खिचाव के करके। और उस मांसपेशियां इन्हों का इस तो पहला जो इलाज हुंदा सी वो या तो दूरबीन ना गुब्बारे ना फुला के करना, जिदे अपने साइड इफेक्ट भी कुछ सी और कई दफ़ा कुछ समय बीमारी फिर वापस आ जाती सी, या उस तो पहला ओपन या दूरबीन के राही ऑपरेशन जिस कि मांसपेशियों को कटिया जाता सी। हुण पहली जी टेक्निक हुई है ये हुण एंडोस्कोपी के जरिए, जिन्हें प्रोसीजर होर भी ज़्यादा छोटा हो गया, सिंपल हो गया और मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो गया।